हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हैप्पी ब्लॉग। आज मैं आपको इडली के बारे में बताऊंगी और हम इडली किस तरह से बनाते हैं। आइए देखिए, ये हमने सूजी ली है, कुछ सूजी है हमारे पास, इसको हमने छान लिया है और हमने ये दही लिया है। इसको दही में दही डाल के हम दही की सहायता से इडली तैयार करते हैं। हमने ये दही डाल लिया है, दही मिला के और बाकी हम इसमें अपना पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास दही ना हो तो हम इसे साइट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं, मट्ठा डाल सकते हैं, कुछ भी खट्टी चीज़ डाल के हम इसको घोल सकते हैं। हम इसे घोल के हमारी फ्रेंड्स घुल गई है, घुलने के हम इसे घोल के हम इसे रख देंगे। फ्रेंड्स, इसे अभी हम थोड़ा गाढ़ी ही घोलेंगे। आप देखिए, हमने इसे घोल दिया है, ये हमारी सूजी घुल गई है। इसको सूजी को हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे। हम 1 स्पून नमक डाल देते हैं। वन स्पून हमने मीठा सोडा डाल के इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया है। 1 घंटे के लिए हम इसको रख देते हैं। रख देते हैं 1 घंटे के लिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फिर स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ बैटर इस तरह से हो गया है, ये इडली बनाने के लिए तैयार हो गया। अब इसके लिए हम इडली बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा बैटर निकाल के हम इनो डाल देते हैं। इनो हम उसी टाइम डालेंगे जिस टाइम हमें इसको बनाना है। हाफ इनो डाल दिया है, इसे हमने एक साथ ही घुमाया है, एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। इनो के साथ हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे हमारा अच्छे से फूल जाएगा। इस तरह से फूल गया है। इडली स्टैंड में हम, ये हमारा माइक्रो का इडली स्टैंड है, इसमें हम थोड़े थोड़े बैटर डाल देते हैं। इसको थोड़ा हम खाली रखेंगे जिससे हमारी ज़्यादा ऊपर आ जाए। इस तरह से हम दूसरा भी स्टैंड भर लेते हैं। माइक्रो में रख देते हैं, माइक्रो में से रख कर हम इसे रख देते हैं और हम 5 मिनट का समय लगा देते हैं। स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी इडली बनकर तैयार हो गई है। सभी इडली आप देख सकती हैं। इसके लिए हमने तैयारी कर ली है। ये सारी टमाटर काट लिए हैं, कुछ शिमला मिर्च काट लिए हैं, कुछ हमने ये हरी मिर्च काट ली है, प्याज काट ली है। अगर हम चाहें तो इसमें बंद गोभी डाल सकते हैं और जो भी प्याज हमारे पास हो उसे डाल सकते हैं। ये हमने नमक ले लिया, ये हमने मस्टर्ड सीड्स ले लिया। आप देखिए, अब इसे हम, अब इडली को हम 4 पीस में काट के 4 पीस में काट लेते हैं जिससे कि मोटे मोटे टुकड़े हमारे मुंह में ना आए। इसे 4 पीस में काट के हम इसको तैयार कर लेते हैं। सभी इडलियों को 4 पीस में काट काट के हम तैयार कर लेते हैं। आप देख रहे हैं सबको, जिससे कि हमारे मुंह में मोटे मोटे टुकड़े ना आए, हम इसको फ्राई करेंगे। फिर
फ्रेंड्स, अब इसे हम फ्राई करने के लिए तैयार हैं। फ्राई करेंगे हम। हमने 2 स्पून ऑयल डाल दिया है इसमें। आप इसे देसी घी में भी बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में भी, जिस ऑयल में आप बनाना चाहें उसमें बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने ये मस्टर्ड सीड्स, ये हम इसमें डाल देते हैं। 2 स्पून मस्टर्ड सीड डाल दिए हैं। ये हमारे चटक रहे हैं। हमने इसमें ऑनियन डाल दिया। दो मिनट हो चुके हैं। अब हमारी ये वेज बनकर तैयार हो गई है। देखिए आप, थोड़ी थोड़ी गल गई है, थोड़ी हमारी कच्ची है, थोड़ी गल गई है। इसमें अपनी ये हम चिली सॉस, जो कि हमने घर पे बनाई थी, अपने आप बनाई है, इसमें हम पहले भी वीडियो डाल रखी है। 2 स्पून चिली सॉस डाल दिया है हमने, इसकी वीडियो पहले डाल रखी है, आप देख सकते हैं उसे। इसको बनाने की विधि हमने देख रखी है। ये टमाटो सॉस केचप है, ये भी हमने ही बनाया है। इसकी विधि मैं आपको बताऊंगी। ये भी दोनों सॉस हमने घर में खुद ही बनाई है। ये देखिए आप, इसकी वेज तैयार हो गई है। ये अच्छे से भून लेते हैं, इसको मिला लिया है। और इसमें हम अपनी ये इडली काट, जो हमने इडली काट के रखी थी, वो सब हम डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे। से सॉस डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका लुक कितनी अच्छी बनी है। आप इसे बनाएं, खाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। फ्रेंड्स, आपको अपने अनुभव मेरे साथ में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी डिश पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें। फ्रेंड्स, आप इसे देख सकते हैं, बहुत टेस्टी बनी है खाने में। अपनी गैस बंद कर देते हैं। देखिए 2 मिनट के लिए इसे हम ढक देते हैं। हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। 2 मिनट हो चुके हैं। इसे हम अब अपने ढक्कन लिड खोल के, देखिए आप, ये हमारे थोड़े मसाला इसमें मिल चुका है। ये इस तरह से बन गई है। इसे हम अपनी बाउल में निकाल, सर्विस बाउल में निकाल के हमारी फ्राइड इडली तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। फ्रेंड्स, देखिए हमारी ये डिश बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर बनी है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है। फ्रेंड्स,